हेलो गाइस, घर की किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिल्कुल हेल्दी हेल्दी नाश्ता। इसके लिए लिए हमने एक कटोरी भर के, छोटी सी कटोरी ली है, एक कटोरी भर के हमने लिए हैं चावल। चावल एकदम हमने ब्रिक्स वाले लिए हैं। आपके पास गाय जो भी हो आप वो भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चावलों को अच्छे से दो तीन पानी वॉश करके, इसको हमने ओवरनाइट भी खा के रख दिया था। चावल हमारे अच्छे से फूल गए हैं और इसमें लिए हमने आधी कटोरी सूजी, और उसके बाद डाल रहे हैं इसमें हम दो कटोरी भर के हमने डाल दिया है इसको हेल्दी बनाने के लिए दही। और इसको हम हाथ के हाथ मिक्स करके पीस लेंगे, इसका बैटर बना के तैयार कर लेंगे। बढ़िया एकदम फाइन पेस्ट बनाना है और तभी हमारा नाश्ता बिल्कुल अच्छे से बन के तैयार होगा। गाइस, हमारा बैटर पीस के तैयार हो गया है बिल्कुल बढ़िया से, एकदम ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है बैटर को। अब उसके लिए लिया हमने थोड़ा सा, लिया हमने कड़ी पत्ता, उसको ब्रिक ब्रिक चॉप कर लिया है, और थोड़ा सा लिया धनिया, हरा धनिया में डंठल भी साथ में हमने काट लिए हैं क्योंकि डंठल का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसको इनको काट के हमने अलग रख लिया है, तो सब्जियाँ भी काट लेते हैं। एक हमने प्याज काट लिया है इसमें, और एक ही डाल रहे हैं इसमें टमाटर, इसको भी ब्रिक ब्रिक चॉप कर लेंगे। और शिमला मिर्च हमने पहले से ही काट ली थी, गाजर को भी हमने ग्रेट कर लिया है क्योंकि गाजर थोड़ी हार्ड होती है, इसको ग्रेट करके पकने में आसानी रहेगी। फिर बैटर में हम डाल देते हैं थोड़ा सा चाट मसाला, और बाकी डाले हैं हमने मिक्स हर्ब्स, और स्वाद अनुसार डाल रहे हैं इसमें नमक और थोड़ी सी काली मिर्च, और थोड़ी सी हमने डाली है अजवाइन, और बाकी डाला है हमने भुना हुआ जीरा, वो भी पिसा हुआ है एकदम बढ़िया, और बस डाले हैं चिली फ्लेक्स। गाइस, आपको हरी मिर्च भी अगर पसंद है तो आप डाल सकते हो काट के इसमें चॉप करके। बाकी हमने इसमें चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं, दो मिर्ची हमने बैटर में पहले ही डाल दी थी, पीस दी थी साथ में अदरक और हरी मिर्ची, और ये हमने डाली है इसमें सारी सब्जियां डाल के हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। हमारा बैटर हो गया है तैयार। गाइस, इसमें डाल देते हैं मीठा सोडा, यानी कि खाने वाला सोडा, आप इसको जो भी बोलते हो, लेकिन मीठा सोडा ही डालना है। इधर ले लिया हमने छोटी सा पैन, और इसमें थोड़ा सा हमने घी लगा दिया था नीचे पहले, और तो इसको ढक देते हैं। बैटर डाल दिया है इसमें अच्छे से, और बैटर को एकदम बढ़िया से सेट होने देते हैं। जब तक ऊपर से ड्राई नहीं हो जाता तब तक इसको पकने देना है, और थोड़ा सा हमने घी लगा दिया है इसको, और लगा इतना अच्छा बन के तैयार हो गया है एकदम बढ़िया। ऊपर से बैटर एकदम सूखा हो गया है, लो भाई बहुत अच्छा कलर आया है गाइस, देसी घी से तो और भी ज़्यादा बढ़िया अच्छा टेस्ट आता है भाई। देसी घी के आगे तो सारे तेल फेल हैं। आपके पास भी हो तो यही लगा के आप नाश्ता बनाना, बहुत अच्छा बनता है, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो बस हमारा नाश्ता तो फूल बन के तैयार हो गया है, देखना कितना अच्छा फूला फूला अच्छा नाश्ता बन के तैयार हुआ है एकदम बढ़िया। आप अपने बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हो, और कैसे भी आप बनाइए, खाइए और एंजॉय करिए।